Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch the latest video of delicious dish and also tap the bell button for the future notification. Today I am going to show you how to make fish curry. So Maya, this recipe is specially for you. बहुत दिन से तुमने कहा था और बनाते बनाते आज मौका मिला, तो हम फटाफट इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं. ये हमने 8 से 10 पीसेज फिश के लिए हुए हैं जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और हमने इसमें एक नींबू के रस को और एक टीस्पून नमक मिक्स करके 15 मिनट के लिए लगा कर रख दिया था. और अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं. ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने पीस लिया था, इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है. अब हम इसमें इसको डालेंगे. साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं. जिंजर गार्लिक पेस्ट हम यहाँ 3 टीस्पून डालेंगे. साथ ही हम इसमें 100 ग्राम दही डाल रहे हैं और नमक डालेंगे हम यहाँ पे. नमक का आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इस्तेमाल करें. हम यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं. साथ ही हम इसमें 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, यानी कि 2.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. और ये हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, यानी कि रेड चिली पाउडर. ये हम यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे, यानी कि 2 टीस्पून. और हम गरम मसाला आप डाल रहे हैं इसमें, 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे. साथ ही हम इसमें हल्दी डालेंगे. हल्दी हम इसमें 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे. ये बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है. आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें. और ये हम इसमें तेल डाल रहे हैं. ये हमने 1 कप तेल लिया हुआ है. हम इसको पूरा नहीं डालेंगे, हम इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे. अगर मिलीलीटर में हम मेज़र करें तो 200 ग्राम हमने इसमें ऑयल डाला है. और एक दूसरे के साथ हम सारी चीज़ों को मिलाते हुए एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं. और अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जिस बर्तन में हमें पकाना होगा एक पैन में, उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ इस बर्तन में आपको दिखाने के लिए, कि साफ साफ आपको क्लियर हो सके, इसलिए डाली थी. अब हम इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको गैस पे हम चढ़ा देते हैं और ऊपर से हम कवर कर देंगे. मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे और बीच में 2 से 3 बार हम इसको चलाएंगे. ज़्यादा देर या ज़्यादा बार बार हमें नहीं चलाना है इसको, क्योंकि फ़िश बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो बार बार चलाने से ये गल सकती है. तो हमें 1 से 2 बार हम इसको चलाएँगे और सिर्फ 15 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे. 15 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगी. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको एक बार चलाया और एक बार हम और चला लेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे. और अब हम एक बोल लेंगे और उसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे. जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी है और इसके अलावा ये ऑथेंटिक रेसिपी है. पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही फ़िश ज़्यादातर बनाते थे. और इसके अलावा 2-3 ग्रेवी की रेसिपीज़ और हैं जो बहुत ही टेस्टी हैं, वो भी हम जल्द से जल्द आपको शेयर करेंगे. लेकिन ये टाइम टेकिंग नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी बन जाती है. तो आपके पास जब बिल्कुल भी टाइम ना हो और रेडीमेड आइटम डाल के आपको फटाफट बनाना हो, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और वाकई ये बहुत टेस्टी होती है. फाइनली हमने इसको डिश आउट कर लिया. आप भी इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. आई विल बी बैक सून विद अनदर रेसिपी. टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.